महानुभावों, इस प्रकार यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक दृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर सकते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को दूसरे ही क्षण अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब, जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव
इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज अर्थात मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष खड़ा होगा तब भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर कंस से अनुरोध किया, छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी।